जब ये सदमा पेश आता है और आपको लग रहा होता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है, तो उस टाइम पे क्या करना है? उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को तन्हा मत कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ हुआ है उनके साथ, जब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, फ़ौरन से एक ब्रेक ले लेते हैं, एक सोशल ब्रेक ले लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेते हैं, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉग आउट कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं कि हमें किसी से इंटरेक्शन ना करना पड़े। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद पीपल, ताकि कोई तो हो जिससे आप उस टाइम पे शेयर कर सको। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मूव ऑन। अगर कोई सदमा, कोई ट्रॉमा आपके साथ पेश आया है, एक हद तक उसको शेयर करना, एक हद तक उसके बारे में उदास रहना और उसके आफ्टर इफेक्ट्स में रहना ठीक है, लेकिन ज़्यादा अरसे तक अगर आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स में हो और आपकी लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो ये एक खतरे की अलामत है। ऐसे में आपने क्या करना है? अगर कोई सदमा पेश आया है तो मूव ऑन आफ्टर दैट। आपने अपनी लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब नहीं करनी। लाइफ फंक्शनिंग बेहतर रखने के लिए आपने अपनी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप को बेहतर रखना है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करो और साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले आपको ये गाइड करेंगे कि आपने सेल्फ लव पे फोकस करना है। और सेल्फ लव का पहला असूल है सेल्फ केयर, और सेल्फ केयर के लिए आपको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपनी मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को इजाज़त देनी पड़ेगी कि अगर वो सदमा आपके साथ पेश आ गया है तो इट्स ऑल राइट, आपको ज़िंदगी में खुश रहने की और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की इजाज़त है। आप अपने आप को ये हक दो कि उस सदमे के बावजूद आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हो। साइकोलॉजिस्ट आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स के ज़रिए, इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के टेक्निक्स के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह से आपने अपनी उन सोचों पर काम करना है जो आपके रवैये को, जो आपकी ज़हनी सेहत को और आपकी जिस्मानी सेहत को इफ़ेक्ट कर रहे हैं।